मंत्री प्रफुल्ल पटेल की उपस्थिति में एवं पूर्व उप महापौर शेखर सावरभांदी एवं नगर अध्यक्ष दिनेश्वर पेठे के नेतृत्व में आज सैकड़ों गणमान्य कार्यकर्ता एनसीपी में शामिल हुए। पूर्व मंत्री रमेश चंद्रबंग, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध मोहिती, अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष शबीर अहमद विद्रोही, एनसीपी ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ईश्वर बलबूधे, पूर्व विधायक दीनानाथ पडोले, प्रवक्ता प्रवीण कुंटे पाटिल, प्रशांत पवार, अनिल अहिरकर, बजरंग सिंह परिहार, पार्षद आभा पांडे, वेद प्रकाश आर्य, अशोक कतले सहित पार्टी के नेता एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। हम विकास के मोर्चे पर बड़े हैं, लोकसभा में भी हम कांग्रेस से आगे हैं, फिर भी हम कांग्रेस को बड़े भाई की तरह मानते हैं। राकंपा नेता सांसद प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि यह नहीं भूलना चाहिए कि शरद पवार की वजह से महाविकास अघाड़ी सत्ता में आई। ऐसे शब्दों के साथ एनसीपी नेता सांसद प्रफुल्ल पटेल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। शनिवार को अक्षय मंगल कार्यालय नंदनवन में आयोजित एक रैली में प्रफुल्ल पटेल की मौजूदगी में शिवसेना की पूर्व पार्षद जयश्री जम्भूले, महिला उप जिला आयोजक नीलम उमाठे, युवा सेना के जिला समन्वयक शशिकांत ठाकरे, शहर समन्वयक तुषार कोल्हे और अन्य एनसीपी में शामिल हुए। इस दौरान शेखर सावरभांदी बोले, शहर में शिवसेना का जो माहौल है उसी के चलते आज कई शिवसेना कार्यकर्ता राष्ट्रवादी कांग्रेस में शामिल हुए। अंत में शरद पवार ने पहल की और सत्ता में आए। हमने आज तक नागपुर में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा है, इसलिए हम थोड़ा पीछे रह गए। उन्होंने कांग्रेस को निकट भविष्य में विधानसभा चुनाव लड़ने की चेतावनी भी दी। इस समय नगर अध्यक्ष दिनेश्वर पेठे, पूर्व मंत्री रमेश चंद्र बंग, पूर्व मंत्री सुबोध मोहिते, पूर्व डिप्टी उप महापौर शेखर सावरभांदी, अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय अध्यक्ष शब्बीर अहमद विद्रोही, ईश्वर बालबुधे, पूर्व विधायक दीनानाथ पडोले, प्रवक्ता प्रवीण कुंटे पाटिल, प्रशांत पवार, अनिल अहिरकर, बजरंग सिंह परिहार, पार्षद आभा पांडे, वी आर अशोक कतले आदि उपस्थित थे। आज यहां पर शिवसेना से जो पदाधिकारी शिवसेना में युवा सेना में काम करते हैं उनको राष्ट्रवादी में प्रवेश दिलाने का कार्यक्रम यहाँ पर। राष्ट्रवादी के नेता खासदार प्रफुल्ल भाई पटेल के कार्यक्रम को खास करके उपस्थित रहेंगे और पिछले 12-15 साल से जो लोगों ने शिवसेना में काम किया, लेकिन शहर का जो शिवसेना का वातावरण है उचित न होने की वजह से कल उन्होंने राजीनामे दिए और आज यहाँ पर राष्ट्रवादी में प्रवेश कर गए। मैं खुद एक महीना पहले राष्ट्रवादी में प्रवेश किया मैंने और अभी सारी ये सहकारी आएंगे और मजबूती से हम आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा यश दिलाने का काम हम लोग करते हैं। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।